आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ स्वाति और स्वागत करती हूँ आप लोगों का अपने चैनल में। आज मैं लाई हूँ एक इमला का वीडियो जो कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए है। इस वीडियो में मैंने ज्यादा से ज्यादा कठिन शब्दों को शामिल करने की कोशिश की है। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो यहाँ पर आपको मिलते रहते हैं। पास ही बने हुए नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली पहुंच जाया करें। कुछ इंस्ट्रक्शन है जो आप लोगों को फॉलो करने हैं इमला लिखते टाइम। सबसे पहले तो ध्यान से सुनना है, कोशिश करिए ईयरफोन्स लगा लीजिए, यूज कर लीजिए ईयरफोन्स का ताकि मेरी आवाज आपको क्लियर आए। और वाक्यों को लिखते समय हर तरह के विराम चिन्ह जहां पर भी आपको लगता है ये लगने हैं, चाहे वो अल्प विराम हो, पूर्ण विराम हो, किसी भी तरह का पंक्चुएशन मार्क आपको लगाना है। और लास्ट में मैं आपको जो लिखा हुआ दूंगी मेरी दी हुई स्लाइड से, आपको अपने लिखे हुए को चेक करना है, जितनी आपकी गलतियां निकलेगी उनको सर्किल करना है। पूरी वीडियो खत्म होने के बाद जितने भी आपके अशुद्ध शब्द होंगे उनको शुद्ध रूप में कम से कम 8 से 10 बार आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है ताकि फ्यूचर में आप उन शब्दों को लिखने में कभी भी कोई गलती ना करें। मेरा इन वीडियोस को बनाने का उद्देश्य सफल हो जाएगा अगर आपकी हिंदी में थोड़ा सा भी सुधार होता है मेरे इन वीडियोस के थ्रू। तो चलिए लिखना शुरू करिए। पश्चिम की प्रौद्योगिकी, पश्चिम की प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी और पूरब की धर्म चेतना का सर्वश्रेष्ठ लेकर ही नई मानव संस्कृति का निर्माण संभव है। पश्चिम नया धर्म चाहता है। पूरब नया ज्ञान। दोनों की अपनी आवश्यकता है। वहां यंत्र है, मंत्र नहीं। वहां यंत्र है, मंत्र नहीं। यहां मंत्र है, यंत्र नहीं। यंत्र नहीं। आगे जो मैं आपको स्लाइड में लिखा हुआ दूंगी उससे अपनी गलतियों को चेक करिए और साथ ही ये भी समझिए कि इन इमला के वीडियो से आपको कितनी अच्छी जानकारी, कितनी अच्छी शिक्षा मिल रही है। पश्चिम की प्रौद्योगिकी और पूरब की धर्म चेतना को सर्वश्रेष्ठ लेकर ही नई मानव संस्कृति का निर्माण संभव है। पश्चिम नया धर्म चाहता है, पूरब नया ज्ञान। दोनों की अपनी अपनी आवश्यकता है। वहां यंत्र है, मंत्र नहीं। यहां मंत्र है, यंत्र नहीं। वहां भौतिक संपन्नता है, भौतिक संपन्नता है,
यहाँ यहाँ आध्यात्मिक संपन्नता है। आध्यात्मिक दैन्य को दूर करने में पूरब की मैत्री करुणा करुणा और अहिंसा के संदेश महत्वपूर्ण होंगे तो पूरब के भौतिक दैन्य को पश्चिम की प्रौद्योगिकी दूर करेगी। वहां भौतिक संपन्नता है, यहां आध्यात्मिक संपन्नता है। पश्चिम के आध्यात्मिक दैन्य को दूर करने में पूरब की मैत्री करुणा और अहिंसा के संदेश महत्वपूर्ण होंगे, तो पूरब के भौतिक दैन्य को पश्चिम की प्रौद्योगिकी दूर करेगी। पूरब पश्चिम के मिलन से ही मनुष्य की देह और आत्मा को एक साथ चरितार्थता मिलेगी। इससे प्रौद्योगिकी जड़ता के बंधनों से मुक्त होगी और पूरब का आध्यात्मवाद, परलोकवाद तथा निष्क्रियतावाद से छुटकारा पाएगा। से छुटकारा
पाएगा। पूरब पश्चिम के मिलन से ही मनुष्य की देह और आत्मा को एक साथ चरितार्थता मिलेगी। इससे प्रौद्योगिकी जड़ता के बंधनों से मुक्त होगी और पूरब का आध्यात्मवाद, परलोकवाद तथा निष्क्रियतावाद से छुटकारा पाएगा। भाग्यवाद को प्रौद्योगिकी को सौंप कर हम मनुष्य की कर्मण्यता को चरितार्थ करेंगे और इस धरती के जीवन को स्वर्गोपम बनाएंगे। जीवन से भाग करके नहीं उसके भीतर से ही हमें लोक मंगल की साधना करनी होगी। भाग्यवाद को प्रौद्योगिकी को सौंपकर हम मनुष्य की कर्मण्यता को चरितार्थ करेंगे और इस धरती के जीवन को स्वर्गोपम बनाएंगे। जीवन से भाग करके नहीं, उसके भीतर से ही हमें लोक मंगल की साधना करनी होगी। तो स्टूडेंट्स, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और आपकी कितनी गलतियां निकली हैं हर स्लाइड को देखने के बाद वो भी मुझे कमेंट के माध्यम से बताया करिए। और क्या आपकी हिंदी में सुधार हो रहा है इन इमला के वीडियोस के थ्रू, मतलब जिन उद्देश्यों से मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, आपको पोस्ट करती हूँ, मेहनत करती हूँ, अपना इतना सारा इसमें डाटा लगाती हूँ, तो इनका कोई फर्क भी पड़ रहा है आप लोगों की स्टडी पर, ये भी मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।